गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स एंड ऑल्सो वी फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स and example also can be given and numerical be explained, but some activities given in your book are left, so I will discuss the some activities and some signs in context in your given book. In today lecture we explain activity those given in your book, means पिछले लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, जितने भी उसके एग्जांपल्स हैं, ये सब वगैरह कुछ, मतलब हम लोग अपने बुक से रिलेटेड बातें को हम लोग समझे हैं, पढ़े हैं. आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है और कुछ साइंस इन कॉन्टेस्ट जो कि इम्पोर्टेंट कुछ है, आपका फैक्ट फाइल जो दिया हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि उसके बारे में क्या है. जो हम जितने तरह के जो फोर्स पढ़े हैं, फ्रिक्शन पढ़े हैं, उस सब पे आपका एक्टिविटी भी दिया हुआ है, क्योंकि मैं क्लास के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि फिजिक्स एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नेचर से रिलेटेड है. आप उसको एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं और नेचुरली एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं. तो कैसे हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, वही एक्टिविटी है जो कि आपसे अगर संभव हो तो आप भी उसे कर सकते हैं, कि जो भी हमने पढ़ा है वो इस एक्टिविटी पे है कि नहीं, वैसा रियली होता है या नहीं होता है, वो एक्टिविटी हमको दिखाएगा. तो सबसे पहला है, आपको एक इसमें दिया हुआ है साइंस इन कॉन्टेक्स्ट. आपको आप ही की बुक है साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है इन 1687. सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था. उससे पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में चर्चाएं तो थी, ग्रेविटेशन फोर्स को भी माना गया था. तो ये माना गया था कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाइड करती है और उसे अपने सेंटर की तरफ खींचती है. कि अगर अर्थ है तो जितने भी चारों तरफ जो इसके वस्तु होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उस सबको अपने सेंटर की तरफ किधर खींचेगी, सेंटर की तरफ खींचती है सबको, टुवार्ड्स इट सेंटर. अर्थ अप्लाइड ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट टुवार्ड्स इट सेंटर. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल, और दिस प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी. ये जो अर्थ की प्रॉपर्टी है उसे हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं. और ये जो पुल करने का जो काम करता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन है जो मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया है. और इसके बाद अर्थ जो फोर्स लगाता है वो केवल पुल करने का फोर्स लगाता है, वो पुश नहीं करता. केवल अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ के पास और रिपल्सन फोर्स अर्थ के पास नहीं है. और इसी को न्यूटन ने 1687 में उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ये बताता है, नॉट अर्थ ओनली एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मीन्स केवल अर्थ ही सभी ऑब्जेक्ट को नहीं खींचता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट. मतलब यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सभी एक दूसरे को. अर्थ जिसको अट्रैक्ट करेगी,
अर्थ अगर है ये, अगर इसको अर्थ ज़ूम करते हैं तो अगर ये छोटा सा अगर हम जैसे समझ लें कि बॉल है, अगर ये अगर अर्थ अगर इसको अट्रैक्ट करती है तो बॉल के पास जितनी फोर्स है बॉल भी इसको अट्रैक्ट करेगी अपने फोर्स से, दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होगा। ये रिजल्टेंट इसका क्या होगा वो बाद में है कि अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ ही बॉल को अट्रैक्ट करेगी, अर्थ के पास फोर्स ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जस्ट है कि अगर हम किसी छोटे व्यक्ति को अगर खींचने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमको खींचता है, यानी एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मास। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी चर्चा हमने पीछे आप लोगों से की है और यही फाइनली हमको जी इज इक्वल टू एम वन इन टू एम टू बाई आर स्क्वायर जो कि हमको ये फॉर्मूला देता है। क्लियर है? तो इसकी इसके बारे में यूनिवर्सल लॉ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको न्यूटन ने 1687 में दिया हुआ था। ये आपको बुक का है फैक्ट 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी नंबर 1 आप ही के बुक का है। एक्टिविटी नंबर 1 फर्स्ट एक्टिविटी, देखिए एक्टिविटी किससे रिलेटेड है पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। वी स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने दो तरह के फोर्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, पहला कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, देयर आर डिफरेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल और एक्टिविटी दे ऑल्सो कैन बी सीन और ऑब्जर्व इन आवर इन्वायरमेंट इन डेली लाइफ। यानी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको मिलेंगे, आपको एक्टिविटी मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करके भी देख सकते हैं। ये इसमें डायरेक्टली फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट करके खींचते हैं, जैसे बोर्ड ही है, बोर्ड को ही मैंने कॉन्टैक्ट में ले रखा है, मार्कर को ही अगर खींच रहे हैं, या आपकी बुक है बुक को ही खींच रहे हैं, दो व्यक्ति पकड़ के इसको ऐसे खींच रहा है, तो अगर जिसमें डायरेक्ट रूप से फिजिकली कॉन्टैक्ट है वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देयर एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट आर सम डिफिकल्ट। लेकिन जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका एग्जाम्पल और एक्टिविटी करना थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में डिफिकल्ट है। तो एक इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग पढ़े हुए थे, उसका काइंड्स है फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा मुख्य रूप से है। इसके अलावा भी आप लोग मैंने बताया था, न्यूक्लियर फोर्स भी बताए थे आप लोग को, वीक फोर्स भी बताए थे, ये सभी हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के काइंड्स हैं। इसमें आपको हमको बताना है एक्टिविटी नंबर फर्स्ट जो आपका बता रहा है इसमें है टू शो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी हमको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है सो यह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, यह कैसे हम लोग बताएंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में बताए थे कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर एक्टेड बिटवीन टू चार्जेज। ठीक है, यानी जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा हुई भी थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इफ सेम चार्ज
बिटवीन द सेम चार्ज, फिर से एक बार हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं, अगर सेम चार्ज को आप अगर एक जगह लाते हैं तो वो आपको रिपेल करेगा, वो आपको रिपेल करेगा। अगर अपोजिट चार्ज को आप अगर एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो ये आपको अट्रैक्शन करेगा, ठीक है, ये आपको अट्रैक्शन करेगा। अगर सेम चार्ज है तो ये आपको रिपेल करेगा, जैसे आपका माइनस ही माइनस क्यों नहीं, निगेटिव ही निगेटिव आपका चार्ज क्यों नहीं हो, लेकिन यह वो भी आपको रिपेल ही करेगा, वो भी आपका एक दूसरे को धक्का देगा। मतलब अपोजिट चार्ज में ही आपका अट्रैक्शन होता है, तो वही हमको इसमें दिखाना है इस एक्टिविटी के माध्यम से कि कैसे रिपल्सन करता है और कैसे अट्रैक्शन करता है। अगर बिना फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए अगर ये रिपल्सन मींस कि अपना प्रभाव दिखाता है, रिपल्सन कर देता है या अट्रैक्शन कर देता है, तो हम इसे समझ जाएंगे कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में कि जनरली हम लोग फाइबर की चेयर जो है वो सब किसी ने देखे होंगे, हम भी आप भी सब किसी घर में होंगे, तो जनरली ये हमारा जो बाजू का फर है जिसको हम लोग रोएं बोलते हैं, एनिमल का फर भी होता है, तो जनरली अगर हम इसको उसके फाइबर के कुर्सी पर अगर इसको रबिंग करें कुछ देर, अगर इसको रबिंग करते हैं और इसको क्लोज ले जाएं तो देखते हैं क्या कि वो रोएं को खींचना शुरू कर देता है, ट्रैक्शन करना इसको शुरू कर देता है। जैसे उसके करीब ले जाएंगे तो हमारा रोएं खड़े हो जाते हैं, जैसे उसके करीब बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं ले जाएंगे, जैसे उसके क्लोज ले जाएंगे रबिंग कर करके तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो यह क्या है, बैलून जो है, बैलून जो हम लोग देखते हैं, बैलून को अगर दो चार दस बैलून को अगर एक साथ अगर रख दे तो बैलून कभी एक जगह चिपक नहीं सकता है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ जाता है, रबिंग करते करते उस पे चार्ज आ जाएगा और दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा और वो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, लेकिन जो ये आपका एक्टिविटी नंबर वन में जो दिया हुआ है तो इसमें मटेरियल ए स्मॉल, इसमें आपको स्टैंड में भी आपको दिखाया हुआ है कि इसमें रिक्वायर्ड में हमको क्या है, स्मॉल प्लास्टिक बॉल, एक हमको क्या चाहिए, एक इसमें सबसे पहले हमारा स्टैंड रहेगा, स्टैंड रहेगा, स्टैंड रहेगा, एक इसमें धागा लटका देंगे हम, एक इसमें धागा लटका देंगे और एक यहाँ पे प्लास्टिक बॉल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक प्लास्टिक बॉल। और प्लास्टिक बॉल तो इसमें प्रोसीड्यूर में देखिए क्या क्या है, ये प्लास्टिक बॉल, ये स्टैंड, ये एबोनाइट रड, देखिए तो ये तो हम लोग समझते हैं प्लास्टिक बॉल का मतलब तो समझते हैं, जीवे में जो बॉल जो छोटा सा मिलता है जिसे बच्चा खेलता है उसे प्लास्टिक बॉल भी कहते हैं, और स्टैंड जो एक आपको लोहे का मिलेगा, ठीक है, जिसे एक धागा के द्वारा इसमें थ्रीड के द्वारा हम उसको बांध देंगे, एंड एबोनाइट रड, एबोनाइट रड जो है वह एक हमारा स्पेशल तरीके का रबड़ होता है, क्या होता है, स्पेशल तरीके का वल्केनाइज रबड़ होता है, वल्केनाइज मतलब जिसको हम लोग उसको एक केमिकल आता है वल्केनाइज करने के लिए, उसको स्पेशल तरीके से वह एक रबड़ का काइंड है जिसे हम लोग एबोनाइट रड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एबोनाइट रड आप समझ गए कि एबोनाइट रड इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ वल्केनाइज रबर, वह एक स्पेशल तरीके का वल्केनाइज रबर होता है। फर, फर मतलब रुआ, एनिमल का फर भी हो सकता है, या जनरली हम अपने फर को भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके चेयर के लिए बताए हैं, लेकिन जो एनिमल का फर आता है उस फर को हम लोग एक्सपेरिमेंट में लेंगे। एक ग्लास रड, ग्लास रड जो हम लोग को मिलता है, और एंड सिल्क, सिल्क मतलब होता है रेशमी वस्त्र या रेशमी धागा, ठीक है। अब इसको सस्पेंडेड द स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय मींस ऑफ ए थ्रीड ऑन द स्टैंड, यानी प्लास्टिक बॉल को यहाँ पे हमको लटका देना है, प्लास्टिक बॉल को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको लटका देना है, इसको हैंगिंग कर देना है, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है रब द एबोनाइट रॉड विथ फर, एबोनाइट रड को जो हमने इसमें प्रोसीड्यूर में जो आपने देखा है कि फर की चर्चा की है, तो एबोनाइट रड को अगर हम लोग फर से अगर हम लोग रबिंग करते हैं, फर से अगर हम लोग रबिंग करें,
किससे रबिंग करें, फर से अगर हम लोग रबिंग करते हैं तो ये एबोनाइट रड पे हमारा निगेटिव चार्ज आता है। कौन सी चार्ज आएगी एबोनाइट रड पे? निगेटिव चार्ज आएगी, और फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सी चार्ज आएगी फर पे? पॉजिटिव, और एबोनाइट रड पे निगेटिव चार्ज। अब ब्रिंग इट क्लोज टू द बॉल, और उसके बाद हम लोग बॉल के पास ले जाएंगे। मेक श्योर द रड डज नॉट टच टू द बॉल, यानी ये हमको कंफर्म होना चाहिए कि ये बॉल जो है सो इस लोहे के रड के साथ कोई भी कनेक्शन इसका नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस पे इसको जैसे मैंने बनाया है वैसे उसको होना चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू बॉल, और वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा। इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द एबोनाइट रड, क्या वहाँ एबोनाइट रड और बॉल के बीच में कोई कनेक्शन होगा? देखिए यहाँ पे बॉल जो है वो भी हमारा प्लास्टिक है, और जो ये एबोनाइट रड है वो भी एक तरीके का हमारा रबर है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे रड आएगा तो ये अपोजिट बिहेव करता है, जैसे आप में यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉजिटिव है निगेटिव। अगर इसके पास प्लास्टिक का ये बॉल है, अगर इसके पास कोई अपोजिट चार्ज वाला आता है तो जैसे प्लस वाला आएगा तो ये निगेटिव की तरफ बिहेव करेगा, निगेटिव वाला आएगा तो पॉजिटिव की तरफ यह बिहेव करता है। थर्ड में दिया हुआ है रब द ग्लास रड विथ सिल्क, ग्लास रड को अगर हम लोग सिल्क से रबिंग करते हैं, इसको ग्लास रड को अगर हम लोग सिल्क से रबिंग कर दें, अलग हम लोग सिल्क से उसको रबिंग कर देंगे, सिल्क से ऐसा नहीं एक साथ, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया कि वो नाइट रड को फर के साथ अलग रबिंग कर देंगे और उसके बाद हम लोग उसको नज़दीक में लाएंगे, उसी तरह से ग्लास रड को सिल्क के साथ रबिंग कर देंगे, और जैसे हम लोग रबिंग करेंगे तो ग्लास रड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ब्रिंग इट क्लोज टू द बॉल, और उस ग्लास को हम लोग क्या करेंगे, इस बॉल के पास लेकर के आएंगे। कहाँ लेकर के आएंगे? इस बॉल के पास। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ग्लास रड के जो चारों तरफ है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा, जैसे हम लोग उसको सिल्क के साथ हम लोग उसको रबिंग कर देंगे, तो जैसे हम लोग उसको रबिंग करेंगे तो ग्लास रड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा? निगेटिव चार्ज रहेगा, और ये दोनों आपस में यह अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से एबोनाइट रड को अगर हम यहाँ पे लाते तो भी अट्रैक्ट करता, क्योंकि एबोनाइट रड पे हमारा कौन सी चार्ज होती? निगेटिव चार्ज, और तब एक पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता, और दोनों में हमारा कुछ जैसे कुछ डिस्टेंस पे रहता तो इसमें दोनों के बीच में आपका अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ डिस्टेंस पे है तब भी अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, मींस कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि विदाउट कॉन्टैक्ट दे अट्रैक्ट, यानी बिना कॉन्टैक्ट का यह अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, पुल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फाइनली ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते हैं द प्लास्टिक बॉल विल मूव टुवार्ड्स द एबोनाइट रड, प्लास्टिक बॉल जो है सो एबोनाइट रड के तरफ मूव करेगा। व्हेन द एबोनाइट रड इज ब्रॉट क्लोज टू द बॉल, यानी बॉल के पास अगर हम लोग एबोनाइट रड को ले जाते तो द प्लास्टिक बॉल विल मूव टुवार्ड्स द ग्लास रड, प्लास्टिक बॉल भी ग्लास के तरफ मूव करेगा। प्लास्टिक बॉल किसके तरफ मूव करेगा? ग्लास के तरफ मूव करेगा। When the glass rod is brought close to the ball, और बॉल के करीब हम लोग ले जाएंगे, तब फाइनली कंक्लूजन है, यानी बिना कॉन्टेक्ट में आए हुए एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा। अगर सेम अगर रहता जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर ग्लास रड को अगर सिल्क के साथ अगर हम लोग रबिंग करते, सिल्क के साथ अगर हम लोग रबिंग करते हैं तो सिल्क पे हमारा निगेटिव चार्ज आता है, और एबोनाइट रड को अगर फर के साथ रबिंग करते हैं तो एबोनाइट रड पे भी निगेटिव चार्ज आता है, क्लियर है। तो अगर एबोनाइट रड को फर के साथ रबिंग करके और ग्लास रड को सिल्क के साथ रबिंग करके तब अगर एबोनाइट को सिल्क के पास ले जाया जाए तो वह अट्रैक्शन नहीं करता, वह रिपल्सन करता। तो ये हमको इंडिकेट करता है कि सेम
चार्ज में जो है सो रिपल्सन है, अपोजिट चार्ज में जो है सो अट्रैक्शन है। फाइनली कंक्लूजन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हमारा किसी कॉन्टैक्ट का रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, रिक्वायर नहीं है, इसलिए है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसलिए इस तरह से हमारा एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है थिंक एंड आंसर। इट इज इन द एक्सपेरिमेंट अबव, व्हाई डिड द प्लास्टिक बॉल मूव टुवर्ड द एबोनाइट रड, यानी प्लास्टिक बॉल जो है सो एबोनाइट रड की तरफ क्यों मूव करेगा, सोचिए और इसका आंसर दीजिए। बिकॉज बोथ एबोनाइट रड एंड प्लास्टिक बॉल्स आर अपोजिट चार्जेस, इस पे दोनों पे क्या है अपोजिट चार्ज है। एबोनाइट रड पे हमारा निगेटिव है तो प्लास्टिक बॉल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज अट्रैक्ट। व्हाट डू यू थिंक इज लाइकली टू हैपन इन द बोथ द बॉल एंड द एबोनाइट रड वेयर द रबेड विद द फर्न द ब्रॉड टू नेक्स्ट ईच अदर। उसी तरह से कह रहा है कि अगर हम लोग फिर से रबिंग करके अगर द बॉल एंड द एबोनाइट रड वेयर रब्ड विथ फर, अगर फर के साथ रबिंग करके लाते तो हमारा क्या होता, तो अगर अपोजिट चार्ज अगर होता तो वह अट्रैक्शन करता, और अगर सेम चार्ज होता तो वह रिपल्सन करता। इस तरह से हम लोग एक्टिविटी नंबर फर्स्ट देखे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्टिविटी नंबर इसका टू देखेंगे जो कि मैग्नेटिक फोर्स से हमारा रिलेटेड है। तब तक के लिए गुड बाय।